दोस्तों स्वागत है आपका लिटिल स्टोरीज में। आज की कहानी है एक लड़की की। कैसे वो खुश रहने का सबसे बड़ा सबक कैसे वो अपने जीवन में अपनाती हैं। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। खुश रहने का सबसे बड़ा सबक, गांव की लड़की की कहानी। एक छोटे से गांव में एक सीमित संख्या में लोग रहते थे। वहां की एक लड़की नाम है अनुषा। वह छोटे परिवार में रहकर खुश और संतुष्ट रहती थी। अनुषा की खुशियों और समृद्धि का राज उसका सदैव सकारात्मक मनोभाव था। वह सभी के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखने के लिए जानी जाती थी। उस गांव में लोग अपने मन की खुशियों को बाहरी वस्तुओं में ढूंढने में लगे रहते थे। वे लोग खुशियों को धन दौलत और विशेष सामग्री में खोजने के चक्कर में भूल जाते थे कि सच्ची खुशियां तो आंतरिक शांति और संतुष्टि में ही मिलती हैं। एक दिन अनुषा के गांव में एक मेला आया। मेले में विभिन्न भंडारे लगे थे और वहां कई रोचक खिलौने भी थे। लोग अपने खुशियों को बढ़ाने के लिए उनमें खर्च करने लगे। अनुषा ने भी देखा कि लोग मेले में पैसों का उड़ान भर रहे हैं और उन्हें देखकर खुशी मिल रही है। अनुषा की मां ने उसे भी कुछ खिलौने खरीदने का प्रस्ताव किया, लेकिन अनुषा ने धैर्य से इनकार कर दिया। वह बताई, मां, मैं ये खिलौने लेकर खुश हो जाऊंगी, परंतु वास्तविक खुशियां तो धन दौलत में नहीं छिपी होती। आंतरिक शांति और संतुष्टि ही हमें वास्तविक सुखी बना सकती है। अनुषा के यह शब्द लोगों को समझ नहीं आए। वे अपनी खुशियों को धन में ढूंढने में इतने लिप्त थे कि उन्हें अनुषा के वचन का कोई महत्व नहीं दिखाई दिया। अनुषा ने आगे बढ़ते हुए उस मेले के एक नाटक की देखी और उस नाटक की कहानी ने उसे गहरे सोच पर लाने का काम किया। उस नाटक में एक लड़की भिखारिन थी जो बहुत खुश दिखती थी। वह छोटी छोटी चीजों से खुश होती थी और अपने साथ रखे विशेष संबंधों को महत्व देती थी। वह दिन भर अपने साथियों के साथ रहती थी और सबके साथ अच्छे समय बिताने का आनंद लेती थी। वह नाटक देखते देखते अनुषा को उस भिखारिन लड़की की सादगी और संतुष्टि से भरी जीवन शैली पर गहरा असर पड़ा। वह सोचने लगी, क्या खूबसूरत जीवन होता है जहां खुशी छोटी छोटी चीजों में छिपी होती है। खुश रहने का सबसे बड़ा सबक यह है कि हमें संबंधों के महत्व को समझना चाहिए और अपने आसपास के लोगों के साथ समय बिताकर खुशियों का आनंद लेना चाहिए। उसके बाद अनुषा ने अपने जीवन में एक बदलाव की शुरुआत की। उसने खर्चे कम करना और अपनी खुशियों को बढ़ाने के लिए परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया। वह अपने माता पिता, भाई बहन और अन्य रिश्तेदारों के साथ गांव के पारंपरिक खेतों में काम करने जाती थी, जिससे उसे खुशी का एहसास होता था। वह दिन भर की थकान के बाद भी संतुष्ट रहती थी, क्योंकि उसके दिल में खुशियों का समंदर बह रहा था। वह भी अपने गांव के दूसरे लोगों के साथ अधिक समय बिताने लगी। वह गांव के मंदिर में सेवा करने और सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने लगी। इससे उसे न सिर्फ अपने गांव की विकास में योगदान मिला, बल्कि उसके अंदर की संदेहों की कटौती होती थी और उसे खुशियों का एहसास होता था। जीवन के इस नए रूप में अनुषा को न केवल अपने गांव में संतुष्टि मिली, बल्कि उसका जीवन भी सार्थक और खुशनुमा हो गया। वह खुद को धन्यवादी महसूस करती थी कि उसके पास वह सब है जिसकी बहुत से लोग तड़पते हैं, प्यार, समर्थ परिवार और आंतरिक शांति। जीवन ने उसको सिखाया कि खुश रहने के लिए भव्य वस्तुओं और धन की आवश्यकता नहीं होती। खुशियां व्यक्तिगत संतुष्टि में छिपी होती हैं और सच्चे सुख का राज आंतरिक शांति में निहित है। अनुषा ने अपने गांव के लोगों को भी यह सबक सिखाने का प्रयास किया और उन्हें भी धीरे धीरे इस सोच का विकास हुआ। तो दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम जल्दी ही मिलते हैं इसी ही एक मजेदार स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखना अपना।